हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार पांडे और आज एक बहुत ही खास व्यक्ति से मिलवाऊंगा। उनके साथ साथ एक बहुत ही खास इक्विपमेंट जिसको हम पीपीई कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और ये आप देख रहे हैं। और इसको लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिबेट्स अब तक मीडिया में हो चुकी है। हर रोज ये सवाल पूछे जाते हैं सरकार से कि क्या हमारे पास सफिशियंट अमाउंट में पीपीई किट्स हैं या नहीं है, ये डॉक्टर्स के लिए कितना ज़रूरी है, क्या हर कोई जो जा रहा है हॉस्पिटल में उसको पहनने की ज़रूरत है। तमाम तरह के सवाल हैं, उन सवालों का जवाब और ये बनाते कैसे हैं, ये क्यों स्पेशल है, वो भी आपको बताएंगे। और उसके लिए हम आपको, जैसा मैंने कहा, आपको बहुत ही खास मेहमान से मिलवा रहे हैं, बहुत ही खास गेस्ट से मिलवा रहे हैं। अनुराग सिंघल साहब हैं यहाँ। अनुराग जी, शुक्रिया आपने वक्त दिया, थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। हाँ भाई, ये जरूरी है, और मास्क पहन लेता हूँ मैं, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, सिंघल साहब ने भी मास्क लगा लिया है। अच्छा सिंघल साहब, इसको लेकर बहुत बातें होती रहती हैं, रोज हो रही हैं कि क्या हमारे पास पीपीई सफिशिएंट अमाउंट में है, नहीं है, सरकार उस दिशा में काम कर रही है, क्या हम सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन की तरफ वक्त रहते बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। आप क्योंकि इसको बना रहे हैं तो उस पे पहला आपका कमेंट क्या है? ये जनवरी में जब ये कोविड, किसी को पता भी नहीं था, तो इस चीज़ की कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में नहीं थी, और तब लाख एक पीस इंपोर्टेड लोगों के पास रखे होंगे अलग अलग यूजेस के लिए जो इसमें यूज़ हुए। लेकिन फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और हेल्थ ने हमारी कंपनी के साथ मिल के कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप करे, और जो विद इन मार्च हम लोगों ने कैपेसिटी एक्सपेंड करते हुए इस टाइम 50-60 हज़ार पीस पर डे तो हम बना रहे हैं, प्लस और एक्सपेंडेड कैपेसिटीज़ हैं जो और बड़े बड़े गारमेंट यूनिट्स थे, एक्सपोर्टर्स थे इंडिया के, वो लोग भी इसमें वॉलंटियर करने लग गए हैं, और अब इसकी कोई कैपेसिटी की कमी नहीं है इंडिया में। देयर इज एम्पल कैपेसिटी, मेनी लेबोरेटरीज आर लाइक डिफेंस लेबोरेटरीज हैव कम अप टू नो सर्टिफाई एंड टेस्ट द फैब्रिक्स। उसकी वजह से इस टाइम डिलीवरी मैकेनिज्म तो इंडिया का बहुत अच्छा सॉलिड हो गया है, और अगर एक्सपोर्ट जैसे अगर खुल जाएगा तो हम और देशों की मदद कर पाएंगे। अच्छा, पहले क्योंकि इसको, इस पीपीई किट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहन में कि इसके लिए इतनी हाई तौबा मचाने की क्या जरूरत है, ये तो दिखता है ऐसा है जैसे रेनकोट हो, तो रेनकोट जो हम पहनते हैं उसी में कहीं से जहां जहां से खुला होता है हिस्सा, वहां अगर हम टेपिंग कर दें तो क्या वो नहीं इस तरह काम करेगा, क्या अलग है इसमें? देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ आर मेडिकल स्टाफ, आर सपोर्ट स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। गर्मियों का मौसम आ गया है, भारी गर्मी में बारिशों के कपड़े पहनना तो मेरे को लगता नहीं है ठीक रहेगा डॉक्टर्स के लिए, और उसलिए ये हमने लाइटर वेट फैब्रिक्स यूज़ करते हुए, इनको बोलेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल्स, नॉन ओवन मटेरियल्स हैं ये, लेकिन इनके ऊपर स्पेशल कोटिंग, स्पेशल लैमिनेशन, स्पेशल मटेरियल से, पॉलीमर से एडहेसिव लगा के इस तरह से बनाया जाएगा कि इसके अंदर जीरो पेनिट्रेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ वायरल हो जाए। मतलब ये मटेरियल ही अलग है, क्या है इसको, क्या कहते हैं आप, फिर से एक बार बताइए। इसको बोलेंगे बैरियर फैब्रिक्स, सो दीज आर प्रोनाउंस्ड एज नॉन वोवन बैरियर फैब्रिक्स। बैरियर मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके उसको बैरियर फॉर्मेशंस देती हैं, और हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम लाइटर मटेरियल्स विद हाई पॉलीमराइज्ड बैरियर्स यूज करें, जिससे कि वायरल और इस तरह की कोई भी इन्फेक्शन इसमें पेनिट्रेट ना कर पाए, और डॉक्टर गर्मी के मौसम में भी कंफर्टेबली इसको लॉन्गर ड्यूरेशन पे पहन पाए, क्योंकि सिंगल यूज है, एक बार पहन के उतारने के बाद दोबारा पहनना सजेस्टिव नहीं है। आप मुझे बताएंगे ये जो हम मॉडल देख रहे हैं यहाँ, और एक मॉडल हम इस तरफ भी देख रहे हैं, इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है इन दोनों मॉडल्स में? देखिए, मॉडल डिफरेंस, हमने प्राइमरली प्रोडक्शन कैपेसिटी जैसे शुरू में लिमिटेड थी तो हमने कैटेगराइज इनको दो में कर दिया था। एक था वेट प्रोटेक्शन, वेट प्रोटेक्शन से हमारा मतलब था कि जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है, सर्जिकल इन्वायरमेंट है, और जहाँ पर पेशेंट्स जो हैं, पेशेंट और डॉक्टर का बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है, वहाँ पे हमने इस तरह के मटेरियल्स यूज़ करे, इन तरह की सीम टेप्स करी जिसके अंदर ये जो सिलाई के मार्क्स होते हैं
वो भी हम इससे स्पेशल टेप्स हैं, ये मॉलिकुलर टेप्स हैं, इन मॉलिकुलर टेप से हम इनको सील कर देते हैं। मतलब अगर मोटा मोटा समझने की कोशिश करें तो जहां जहां से इनको जोड़ा गया है वहां जो सिलाई है उससे भी कहीं उस छेद से भी वायरस अंदर ना चला जाए, उसके लिए टेप लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सारे सिलाई अलग है इस टेप में। ये मॉलिकुलर टेप्स हैं, इसके अंदर स्पेशल एडहेसिव्स हैं जो कि किसी भी तरह के बैक्टीरिया या सिंथेटिक ब्लड टेस्ट बोलते हैं, सिंथेटिक ब्लड टेस्ट में वो मिलिट्री का एक स्टैंडर्ड है और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है एक्चुअली, तो वो उसको मीट करते हुए कोई भी सिंथेटिक ब्लड या एनी वेट पेनिट्रेशन इसके अंदर से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इसको पहन के डॉक्टर साहब गए सर्जरी के लिए और खून के कुछ छींटे या कुछ अगर इसके मान लीजिए यहाँ लग जाते हैं तो वो अंदर जाएगा धीरे धीरे या नहीं जाएगा? इसके अंदर जैसे मान लीजिए पेशेंट को करते हुए सर्जरी के दौरान कोई ब्लड बहुत हाई प्रेशर से अगर इजेक्ट होता है पेशेंट की बॉडी से या वॉमिट कर देता है वो या खून की वॉमिट करता है, सपोज ऐसा सीन मान लेते हैं, कुछ भी सीन हो सकता है वहां पर, तो उसमें इसके ऊपर गिरने से कोई भी कहीं पे भी सूट पे कहीं भी कोई भी पड़ेगा उसका इन्फेक्शन अंदर की मेम्ब्रेन्स के पे नहीं जाएगा। सो डॉक्टर हिज इंटरनल अंदर के कपड़े हिज स्किन इज ऑलवेज केप्ट सेफ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वायरस। कितनी भी देर तक हो रहे, 2-3 घंटे मान लीजिए सर्जरी चल रही है या वो भूल गए हटाना तो भी ही इज सेफ? देखिए इस गारमेंट की लाइफ ऐसा माना जाएगा कि 4-8 आवर्स है, इससे 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि एक्सपोज हो चुका है वो, तो उसको शीघ्र से शीघ्र चेंज भी करना चाहिए, चाहे ये प्रोटेक्शन दे सकता है लेकिन फिर भी एज ए कॉशन प्रोटोकॉल्स होते हैं डॉक्टर्स के अपने अपने, उसके हिसाब से वो अंदर फैले ना जाए लेकिन बाहर तो किसी को और किसी को भी टच हो सकता है, तो डॉक्टर्स विल मेंटेन देयर ओन प्रोटोकॉल्स, दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड दे हैव देयर ओन सिस्टम्स टू यू नो अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड। इसके अलावा एक और आपने, ये तो वेट मॉडल हो गया, एक ड्राई भी है? कोई ऐसा कोई थ्योरेटिकल ड्राई नहीं है, यही मॉडल होता है, लेकिन फिर भी कई हॉस्पिटल्स में कई जगहों पे जहाँ पे सिर्फ डायग्नोस्टिक है या लैब असिस्टेंट्स हैं या सिर्फ वर्कर्स हैं जो उस एनवायरनमेंट के आसपास रहते हैं, ज़रूरी नहीं है पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए लेकिन उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उनके लिए हमने एक सिंपलर सूट भी रखा हुआ है जिसके अंदर हमने फैब्रिक भी थोड़ी सी ये इसकी सीम टेप जो हैं वो हम सीम करना ज़रूरी नहीं समझते हैं, तो जिससे कि एक हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहेंस हो जाती है, डिलीवरी मैकेनिज्म और जल्दी डिलीवर करने का मैकेनिज्म बढ़ जाता है, तो वो हमारा है, उसको हम कहेंगे कि दैट सूट इज वैलिड फॉर पैरामेडिक्स हु आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स बट इन दैट एनवायरमेंट। अच्छा, एक सूट बनाने में अप्रॉक्स कितना टाइम लग जाता है आप लोगों को? नहीं देखिए, इसमें ये ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटिक मशीन पे बनती हैं, तो प्रोसेस चेन सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि एक पीस हम बना रहे हैं, तो चेन में 40 लोग बैठे होते हैं एक लाइन में, और आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से टेलर्स के अंदर भी हम जहाँ पे 100 लोग बैठने होते थे वहाँ पे सिर्फ हम 30 लोग बिठाते हैं, तो मैकेनिज्म बहुत तेज नहीं है, स्लो मैकेनिज्म है, लेकिन आज की तारीख में हमने एक्सपैंड करा हुआ है, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज हमने बढ़ा दी है, एक फैक्ट्री में 200 लोग रखने के बजाय हम 10 फैक्ट्रीज में 40-40 लोग रख के 400 आदमी रख सकते हैं या 4000 आदमी रख सकते हैं। तो क्या ये अलग अलग पार्ट्स में बनता है, क्या होता है इसका प्रोसेस, आप बताएं? नहीं, इसकी बेसिकली 4 या 5 पार्ट्स हैं इसके, फ्रंट पैनल, बैक पैनल, लेग पैनल, आर्म्स एंड हेड, टेलर्स अपने अपने सारे पीसेज ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग के बाद ये अल्ट्रासोनिक पे हॉट एयर मैकेनिज्म से ये टेप्स लग जाएंगी। ये क्या मैकेनिज्म है एक बार बताएं? ये अल्ट्रासोनिक बेस्ड होता है और इसको बोलते हैं हॉट एयर सीलिंग, तो एक हमारे पास मशीन्स हैं जो कुछ इंपोर्ट होती है, इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है, उस मैकेनिज्म से ये हाई प्रेशर टेप्स जो हैं 200 डिग्री से 300 डिग्री टेम्परेचर के बीच पे सेट करी जाती हैं और फिर वो सेट हो जाती हैं। अच्छा, ये जो है इसमें ये एक हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक डिबेट इस वक्त चल रही है पूरी दुनिया में कि बूथ से भी, एक स्टडी ने बताया कि बूथ से भी कोरोना कैरी होता है। जी, जी, जी। तो इसकी इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ जाती है? जी, शू कवर, देखिए ये एक सूट जो है अगर आप देखेंगे तो इट इज नोन एज शू कवर एंड देन हील टू हेड, इसका हेड ये सारा वन पीस है, ये हेड से लेके ये पूरा वन पीस है, कहीं ज्वाइंट्स नहीं है इसमें, तो दिस इज नोन एज ज्वाइंटलेस। शू कवर हमने एक अलग से बनाया है जिससे कि पूरा डॉक्टर्स जो है या स्टाफ जो है वो अपना जूते समेत
इसको कवर कर सकते हैं और यहाँ पे हमने इलास्टिक बैंड दिया हुआ है जिससे कि वो सील हो जाता है. तो इसके तो दिस बिकम्स डबल लेयर, आई मीन द फुट बिकम्स डबल लेयर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बेस फैब्रिक एज वेल एज शू कवर. तो प्रोटेक्शन देखिए हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ऑप्टिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन देना है और विद मिनिमम कैरिज वेट कि डॉक्टर को या स्टाफ को बहुत बल्की भी ना लगे, है ना. जैसे पहले कुछ टेक्नोलॉजीज आई थी इंडिया में, बहुत दो दो किलो का सूट पहन के उसको काम करना पड़ता है. तो वी हैव मेड दिस सूट अबाउट से 240 ग्राम 250 ग्राम टोटल वन पीस सूट एंड विच हैज हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. इसके अंदर देखिए ये एक खास हमने मैकेनिज्म बनाया है. कई लोग तो यहाँ पे एक्सपोज रख देते हैं जैसे बैक्टीरिया सामने से ही चला जाए. हमने क्या करा हुआ, इसको ट्रिपल प्रोटेक्शन दिया हुआ है. सबसे पहले बेस फैब्रिक, उसके ऊपर एक जिपर, जिपर इज कवर्ड बाय वन प्लैकेट, देन दैट प्लैकेट इज कवर्ड बाय अनदर प्लैकेट एंड सील्ड हियर विद अ स्पेशल टेप ऑफ सीलिंग. सो दिस यूनिट एट द चेस्ट लेवल, द फ्रंट बॉडी लेवल बिकम्स वन सील्ड यूनिट विद टोटल 100% बैरियर. वी हैव हर्ड कि इसको पहन के बहुत गर्मी लगती है, ऐसा है क्या? हाँ, इस टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं ज़्यादातर वो मौसम को देखते हुए, इंडिया में इस टाइम गर्मी का मौसम पड़ता जा रहा है तो क्योंकि अभी सील्ड यूनिट है तो उसकी वजह से अंदर प्रेस्परेशन होना स्वाभाविक है. उसके लिए हम कुछ नए नए फैब्रिक सिस्टम डेवलप कर चुके हैं जो कि इस सीजन में हम नए अगले इस आज ही से शुरू हो रहा है. नया हमारा एक ट्रक आ रहा है मटेरियल लेके, उस मटेरियल को यूज़ करके हम करेंगे तो उससे ब्रीदेबिलिटी बढ़ जाएगी. Of course, it is not going to be like air conditioned fabric. Breathability बढ़ जाएगी तो क्या वो chances बढ़ेंगे नहीं कि अगर वो breathe कर सकता है वो fabric तो बाहर से कुछ अंदर जाए? नहीं, these are one way barriers. जी, तो one way barrier का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई भी effect नहीं जाएगा और अंदर का पसीना, perspiration या अंदर की body heat जो है वो outward travel कर सकती है. तो this is known as one way barrier. ठीक है, क्या हम ट्राई कर सकते हैं एक यूनिट? जी, आप ट्राई करिए. ये हम आपके साइज का है वो भी एक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो दर्शकों को समझना चाहिए कि ये सिंगल टाइम यूज है और इसको पहनने के लिए भी आसान नहीं है. आई होप. जी, ऐसा है, इसमें पहनने के लिए हम सजेस्ट करते हैं दो जने, एक हेल्प करे एंड द वन हु इज गोइंग टू वियर इट एंड द वन हु इज गोइंग टू हेल्प. तो दो जने मिलके पहनते हैं तो आसानी से पहन लिया जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है. ये बहुत स्पेशियस और बहुत फ्लेक्सिबल, एर्गोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया सूट है ये. इसके अंदर आप ये जो आर्म्स हैं ये ऐसे जो नॉर्मली कर्व वाली बनती है उसके बजाय इसको हमने फ्री आर्म्स शेप्स दी हुई है जिससे कोई भी जना फ्रीली मूव कर सकता है. अगर डॉक्टर को हाथ ऊपर करने हैं, लेफ्ट राइट घूमना है, कुछ भी किसी भी तरह से, तो एर्गोनॉमिक्स को हमने ध्यान में रखते हुए सूट डिज़ाइन करा हुआ है, जो फ्री मूवमेंट सूट. ठीक है, तो चलिए पहन के देखते हैं और पहन के फिर बाकी बातें करते हैं. सर, इसको पहनते हैं. कवर से शुरू होता है विद ग्लव्स एंड दिस इज व्हाट, फेस शील्ड. शील्ड, फेस शील्ड है ये. ऑलमोस्ट हेलमेट जैसा, आप जैसे पहनते हैं हेलमेट वैसा है, लेकिन इसमें ब्रीथ करना बहुत टफ है. जी, हाँ, नहीं, ब्रीथ करना ऐसा नहीं, पहनने का आप नाक और सांस से सांस ले सकते हैं, लेकिन अंदर जो है बॉडी के उसमें थोड़े से आपको थोड़ी देर के बाद पसीने की फीलिंग आनी, तो आपको रेस्ट मोड के लिए थोड़ा एसी एनवायरनमेंट में शिफ्ट करना पड़ सकता है. आप बाहर इन एंड आउट जा सकते हैं या कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर से पहन सकते हैं. कई बार इसके अंदर जो लोग होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, वो डायपर्स पहन के ये सूट पहनते हैं. ओके. जिससे कि अगर उन्हें टॉयलेट जाना हो या कुछ हो तो उनको बार बार टॉयलेट जाने के बजाय वो डायपर में ही रिलीव होते हैं अपने आप, और फिर एक ही बार में 3-4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद फिर वो जब सूट उतारते हैं तो डायपर भी डिस्पोज ऑफ करते हैं. ये बात मैं एक बार थोड़ा सा स्ट्रेस देके आपको समझाना चाहूंगा, खास तौर से उन लोगों को जो इस लॉकडाउन के बीच भी अलग अलग टाइम पे बहाना बना बना के बाहर आते हैं कि मुझे दूध लेने जाना है, मुझे हल्दी लेने जाना है और मुझे सब्जी लेने जाना है. एक बार में लेके जाइए 4-5 दिनों के लिए, क्योंकि आप समझिए कि इस सूट को पहनने के बाद क्या फील होता है डॉक्टर को. वो जो आपके लिए लड़ रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स हैं, इसको पहनकर मुझे चंद मिनटों में ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे बहुत पसीना आ रहा है और बहुत मुश्किल हो रहा है.
अब सोचिए डॉक्टर ये पहन के और डायपर पहन रहे वो जो बचपन में आपने पहना था, वो डॉक्टर इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद वो डायपर पहन रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे के लिए, ताकि वो आपको बचा सके, हमको बचा सके, देश को बचा सके, वो लड़ाई लड़ सके। तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके सैक्रिफाइस को आप समझें। चलिए इस पर कुछ और बात करते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट दीज टेप्स। तो ये मॉलिक्यूलर टेप्स हैं जी, ये मॉलिक्यूलर टेप्स हैं और स्पेशल बॉन्डिंग मैकेनिज्म से सील करी जाती हैं ये। अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, एक मैकेनिज्म है इसको हॉट एयर से सील करा जाता है और इसके बाद में फिर मिलिट्री की लैब्स हैं वो इसको टेस्ट करती हैं, एक अलग अलग प्रेशर पे कितने किलो पास्कल में इसको टेस्ट करा जाता है, 14 किलो पास्कल, 20 किलो पास्कल, डिफरेंट एनवायरमेंट्स, और ये मैकेनिज्म फुल प्रूफ हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ अगर सर्जरी के समय किसी तरह से ब्लड आया तो जी, ये यहाँ से अंदर नहीं जाएगा? नहीं, ये बैरियर फैब्रिक है, ये पूरी की पूरे एक बैरियर सूट पहना हुआ है आपने, और ये दिस बैरियर सूट इज नॉट टुवर्ड रेन, मतलब पानी, ऐसा नहीं कि बारिश से बचने के लिए पहना गया है, ये किसी भी तरह के वायरस जो नॉर्मल फैब्रिक से पास ऑन हो जाता, आप देखिए सुई की सिलाई का जो पॉइंट था उसको भी सील करना जरूरी है, कि वायरस का तो आपको पता है ना कितना माइक्रोस्कोपिक वो है, वो कहीं से भी एंटर कर सकता है। तो ये एक हमारा जो सूट है इसको हम आईयू सूट बोलते हैं, ये आप देखेंगे ब्रांड नेम हमारा जो है AAYOU, तो आईयू नाम हमने इसलिए रखा हुआ है कि दिस कॉम्प्लीमेंट्स द थ्योरी दैट इट प्रोटेक्ट्स यू। जी ठीक है, मुझे एक चीज बताइए कि ये सूट पहनने के बाद कितनी देर तक हम डॉक्टर को कह सकते हैं कि इफ इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड, वो सिर्फ उस एनवायरमेंट में है तो वो पहन सकता है, वो कितनी देर तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 घंटे होते हैं, है ना, और आज के एनवायरनमेंट में वो 6 घंटे और 4 घंटे भी होता है और 12 घंटे भी होता है। मैं उस दिन मेडिकल इंस्टीट्यूट गया था तो वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह थे वो ये कह रहे थे हम तो 8 से 12 घंटे की एक एक ड्यूटी पे शिफ्ट पे रहते हैं, तो 12 घंटे की शिफ्ट में वी रिकमेंड टू चेंज इन बिटवीन, है ना, तो क्योंकि चेंज ऐसा है कि एक्सपोज नहीं भी है तो, लेकिन हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट और वर्क एनवायरनमेंट्स में कहीं भी कुछ भी है, इंसिडेंटल भी हो सकता है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कितनी देर पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हर हॉस्पिटल की अपनी प्रोटोकॉल है, हर डिपार्टमेंट की अपनी प्रोटोकॉल है, और डिफेंस वाले अलग सोचेंगे, मेडिकल डॉक्टर्स अलग सोचेंगे, पैरामेडिकल अलग सोचेगा, एम्बुलेटरी स्टाफ अलग सोचेगा, वो अपने आप प्रोटोकॉल उनकी सेट होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने हेड के लिए दिया है फेस शील्ड है, हाँ फेस शील्ड, ये इसकी क्या यूजेज है, खासतौर से जब सर्जरी कर रहे हैं वो तभी इसकी ज़रूरत है? जी, ये लाइट वेट मटीरियल है, पॉलीकार्बोनेट क्लियर मटेरियल विद जीरो पार, है ना, और ये ऐसे डिजाइन करा गया है कि डॉक्टर चश्मा भी पहनेगा अपना, उसके माथे से भी टच नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए ये एर्गोनॉमिकली ये भी डिजाइन करा गया है कि और अभी रिसेंट नेक्स्ट वीक हम लोग इसके कुछ नए वेरियंट्स बना रहे हैं जो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होंगे, कि पब्लिक जैसे अब बाजार में जा रही है या कहीं जा रही है तो फेस मास्क लगाने के साथ साथ एक ये भी शील्ड लगा सकते हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल होगी, और अपने आसपास के लोगों में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं लेकिन फिर भी 1 मीटर का डिस्टेंस तो तब है जब कोई खांस रहा हो, है ना, उसके बजाय जब आसपास खड़े होकर बात करते हैं तो ये लगा के बात कर सकते हैं, विच इज़ कम्फर्टेबल, वेरी कम्फर्टेबल, एंड इसके अंदर गर्मियों के अंदर शेड्स भी डेवलप करेंगे हम लोग, तो अभी तो नेसेसिटी की तरफ देख रहे हैं, लेटर हम कंज्यूमर की तरफ जो कंज्यूमर चाहते हैं उसके तरफ भी जाके हम ये शील्ड्स डेवलप करेंगे। एक नई रिसर्च के हिसाब से, पहले तो हम यही कह रहे थे कि कोई जब कोई खांसता है या छींकता है, एक नई रिसर्च के हिसाब से अगर कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है, कोविड इन्फेक्टेड आदमी है, वो जब सांस भी लेता है तो भी एनवायरमेंट में 3 घंटे तक वो वायरस रह सकता है। जी जी। तो उस लिहाज से भी ये फिर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी, अब देखिए ऐसा है, हम किसी भी पब्लिक को डराना नहीं चाहते, है ना, वी डोंट वांट एवरीबॉडी टू बिकम एक्स्ट्रा कॉशियस और बहुत डर के हर चीज़ करने लग जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिर भी बचाव ज़रूरी है और कॉशन ज़रूरी है, तो हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम बना रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, और हर जना अपना एनवायरमेंट देखे, और जैसे अभी गवर्नमेंट की आरोग्य सेतु ऐप है उसको यूज़ करके अगर वो आइडेंटिफाई कर पाए कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट में कौन से कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं या कितना अलर्ट जोन है, उसके हिसाब से अपनी प्रोटेक्शन लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाँ करना तो चाहिए, क्योंकि वायरस अब पहले तो सिर्फ ये था कि
टच एंड कॉन्टैक्ट से आता है। अभी कुछ ऐसी स्टडीज तो आई गई है कि इट मे ऑल्सो बी एयरबोन, तो हवा के माध्यम से भी कुछ जगहों पे, तो देखिए प्रोटेक्शन जरूरी है। क्योंकि इसको पहनकर मुझे अभी से गर्मी लग रही है, आपने एसी भी ऑन किया मैंने देखा वो कि आपने थोड़ा टेम्परेचर कम करा, लेकिन एक डॉक्टर के हिसाब से या पैरामेडिकल अभी जो स्टाफ है उनके लिए क्या कहेंगे कि मतलब उनके लिए कितना टफ है ये, लोगों को क्या कहेंगे कि उन, क्योंकि कई जगहों से हमने खबरें ऐसी देखी कि कहीं उनके ऊपर पथराव हुआ, कहीं उनसे बदतमीजी हुई, लोगों को समझना ये बहुत जरूरी है। मैंने तो अपनी तरफ से कह दिया, आप बताएं कि इसको पहनकर पूरे टाइम रहना और वो कितना रिस्क में है, हम जानते हैं वो कोविड से डायरेक्ट लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए मैं ऐसा नहीं कि सूट पहन के या बगैर सूट पहन के, जो भी जना इस टाइम सेवा कर रहा है जनता की, हिंदुस्तानी, कोई भी एक हिंदुस्तानी एक दूसरे हिंदुस्तानी की जब सेवा कर रहा है तो सबको उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसे डरना चाहिए। कुछ लोग किसी भी गलत फहमी में आके या किसी गलत लीडर के गलत कमेंट को सुन के आजकल रिएक्ट करने लग जाते हैं और डर के उससे कि ये कोविड से जो डॉक्टर है यही कोविड फैला देगा, इस डर से, इस गलत डर से वो डॉक्टर पे अटैक करने लग जाते हैं या स्टाफ पे अटैक करने, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि वो डॉक्टर तो हेल्प करने आया था और इस डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में उसके घर वाले, उसके बीवी बच्चे, उसके माता पिता उसको कहते होंगे यार तुम मत जाओ, यू स्टे होम, और तुम तो रिस्क सबसे ज्यादा ले रहे हो, जितना रिस्क फौजी लेता है सरहद पर उतना ही रिस्क डॉक्टर घर में बैठ के भी ले रहा है, उसको सरहद पे नहीं जा रहा, वो यहीं पे आपके पड़ोस में बैठ के आपकी कॉलोनी में आके आपको बचाने के लिए चक्कर लगा रहा है, पुलिस वाले चक्कर लगा रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, तो आपको तो हेल्प होनी चाहिए, करनी चाहिए उनकी। और इस तरह का सूट पहन के वो आपके पास लड़ने आ रहा है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट की इंडिया में कमी हुई थी, पहले बहुत शोर मचा कि बुलेट प्रूफ इंडिया में कम है, लेकिन ये भी एक बुलेट प्रूफ की जैकेट की तरह से वो पहन के घूमता है, बुलेट प्रूफ भी 3-3 किलो की होती है, उसको पहन के भी फौजी बेचारा पहाड़ पे चढ़ता है और रेगिस्तान में गर्मी में रेत पे चलता है 6 किलो की 4 किलो की जैकेट पहन के, 10 किलो की मशीन गन लेके और टोप के गोले, यू नो आई मीन इट्स सेम यही है। तो डॉक्टर के लिए बहुत मतलब ठीक है, आप लोग बहुत इस पे कोशिश कर रहे हैं, नो कि आप लोग इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी इस पे पूरी दुनिया में चल रहे होंगे, लेकिन स्टिल आई मस्ट से कि इतना आसान नहीं है इसको पहनना और इसको कैरी करना। हाँ, ये अभी देखिए हम लोग जो है पिछले 3 हफ्ते में हम लोग 1 लाख से ज्यादा सूट बना चुके हैं और हर हफ्ते जो है हम ऑल इंडिया जो टेक्निकल एसोसिएशन हैं, एक एसोसिएशन है इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल एसोसिएशन, वो बहुत सबसे सपोर्ट करती है हमें, वो नए नए मटेरियल्स, नए नए जो उनके मेंबर्स हैं सारे, वो नए मटेरियल देते हैं हमें और हम उनसे रेगुलरली प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। आज भी मेरे पास एक, जैसे मैंने बताया था, एक नया मटेरियल का ट्रक आ रहा है, शाम को पहुंचेगा, उससे हम बनाएंगे तो उससे और कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर एक कोयम्बटूर से कुछ फैब्रिक हम मंगा रहे हैं, तो हम ऑल ओवर इंडिया से, हम ऐसा नहीं सोचते कि फैब्रिक यहाँ से लेना है, हम कोयम्बटूर से, गुजरात से, तमिलनाडु से, अलग अलग दिशाओं से, मतलब इसमें भी रिसर्च लगातार चल रहा है, लगातार हर रोज चल रही है। मोदी साहब ने, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी कहा है कि नए यंग साइंटिस्ट को आगे आना चाहिए टू रिसर्च एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू वैक्सीन, न्यू मेडिसिन, न्यू मटेरियल्स, तो हम भी इसमें लगे हुए हैं। जो मेरा ये जो कंपनी हमारी साइंस सिनर्जी, ये स्टार्टअप मॉडल था विच वॉज स्टार्टेड बाई माई सन तन्मय, आफ्टर ग्रेजुएटिंग ही डिड अ स्टार्टअप विद मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स टू डेवलप दीज प्रोडक्ट्स एंड ही एंड हिज टीम इज कंटिन्यूअसली डेवलपिंग न्यू मटेरियल्स। जैसे मैं कह रहा हूँ आज भी हमारे 2 मटेरियल्स आएंगे, 2 मटेरियल्स हम इमीडिएटली लेके पहले डिफेंस लैब में टेस्ट करेंगे, डिफेंस लैब में टेस्ट करने के बाद फिर हम डॉक्टर्स को देना शुरू करेंगे। ठीक है, 2 आखिरी सवाल हैं आपके लिए। आप लोग पर्सनल लेवल पे जब से ये हिंदुस्तान में ये वायरस आया तब से क्या काम बढ़ गया आप लोगों को, एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ रहा है? देखिए काम तो हमेशा हम पहले भी करते थे, आजकल तो मैं ये कहूँगा कि काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, जबकि लॉकडाउन है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने हम लोगों को स्पेशल परमिशंस दी हैं। हमारे इसी ऑफिस में एक नोडल ऑफिस बना दिया गया है जिसके अंदर एक नोडल ऑफिसर हु इज कम्प्लीटली ऑथोराइज टू मैनेज एवरी फैसिलिटी फॉर अस। तो हिंदुस्तान से कहीं भी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आ रही है, ट्रक्स आने हैं, वर्कर्स आने हैं, वर्कर्स की हाइजीन, सैनिटाइजेशन, ये सब गवर्नमेंट हमारे लिए स्पेशली कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, लेबर कमिश्नर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट,
लॉजिस्टिक लेट ट्रांसपोर्ट, ये सब लोग हमें यहाँ से बैठे बैठे ही हेल्प कर रहे हैं। और अपने जो सेक्रेटरी साहब हैं टेक्सटाइल उसके और हेल्थ के, दे ऑल्सो सेड कि अगर हमें NDRF की जरूरत पड़ेगी फॉर मूवमेंट एंड लॉजिस्टिक कंट्रोल, दे विल गिव अस दैट ऑल्सो। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट, कि वो इस मौके पे हमारे से कंधा मिलाकर नहीं, हमारा पूरा हाथ पकड़ के आगे लेके चल रहे हैं हमें, एंड इट्स वेरी नाइस। ठीक है, मतलब हम आने वाली सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हैं? अब तो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। और मैं ये तारीफ करूंगा, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, सप्लाई चेन मैकेनिज्म है, जितने भी लोग शामिल हैं, सब लोग आगे आके ये कह रहे हैं कि हम हेल्प करना चाहते हैं, आप हमारी फैक्ट्री यूज़ करिए, हमारे पास लेबर है, मशीनें हैं, आप उसको, तो हमने इस टाइम 12 डिफरेंट फैक्ट्रीज को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग जो शुरू में हम सिर्फ कुछ 8-10 हज़ार पीस बना रहे थे, अब हम 50 हज़ार पीस पे आ गए हैं, और 50 हज़ार पीस के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 1 लाख पीस पर डे तो हम खुद बना सकते हैं। और हमारी जैसी फैक्ट्रीज तो इंडिया में हज़ारों हैं, तो मटेरियल की कोई शॉर्ट कमिंग ऐसे अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी हम आगे बढ़ाते जाएं। एक आखिरी सवाल, कि इसको पहनने का तो प्रोसेस है, इसको उतारने का भी क्या प्रोसेस है क्या? जी, उतारने के लिए भी फिर एक आपको हेल्पर चाहिए होगा, जो इसके जो टेप्स लगी थी ये उसको निकालेंगे, लेकिन क्योंकि रीयूजेबल नहीं है, डिस्पोजेबल है, तो इसको आराम से निकाल के हमारे पास इसका बायोहैजर्ड बैग है एक, तो ये सारी चीजें उस बायोहैजर्ड बैग में ही। अच्छा, वो भी आप लोग बनाते हैं? बनाते नहीं है, वो हमने कहीं से लिया है, और लेकिन इसके साथ एक किट में वो बैग भी दिया जाता है, जिससे डॉक्टर इसको उतारने के बाद डिस्पोज ऑफ करने के लिए उस बायोहैजर्ड बैग में डालेंगे, और उसका एक प्रोटोकॉल है इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, तो वो सारा मैकेनिज्म फॉलो करना होता है, ड्यू टू क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन अगर है तो इसको डिस्पोजल के दौरान वो इन्फेक्शन ना कहीं एक्सपोज हो जाए, तो डिस्पोजल मैकेनिज्म के लिए वो भी प्रोटोकॉल है। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, लेकिन ये आपको समझने की जरूरत है इस वक्त भी कि इतना आसान नहीं है इस PPE किट को पहनना, इसको कैरी करना। आपने सुना डॉक्टर्स कई घंटे तक डायपर भी उनको लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक बार इसको पहन लिया तो आप इसको उतार नहीं सकते, अगर उतार दिया तो ये फिर किसी काम का नहीं है, सिंगल यूज है। आप समझ कर देखिए, मुझे इतनी देर में देख सकते हैं आप मेरे चेहरे पर कितना सारा पसीना है, तो आप समझिए कि पूरे बॉडी में कितना पसीना इस वक्त आ रहा होगा। तो कुछ मिनटों में अगर ये हाल होता है तो उन डॉक्टर्स को, उन पैरामेडिकल स्टाफ को, सबको सलाम करिए और कहिए थैंक यू उन तमाम लोगों को जो इस वक्त महामारी में आपकी और हमारी, देश की मदद कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।